मंदिर में भावना से भगवान का दर्शन हो। जिसके हृदय में भाव नहीं है, जिसकी आंख बिगड़ी हुई है, जिसके मन में पाप है, उसको मंदिर में भगवान नहीं, पत्थर की मूर्ति ही दिखती। आंख को पत्थर की मूर्ति दिखती है, वैष्णव भावना करते हुए भगवान का दर्शन करते। जो भगवान वैकुंठ में है, जो भगवान गोलोक धाम में है, वे ही भगवान कृपा करके यहां आए। भावना के बिना मंदिर में भी भगवान का दर्शन नहीं होता, मंदिर में भावना करनी पड़ती है तब दर्शन होता है। मंदिर में से बाहर निकलने पर भी जगत के स्त्री पुरुषों में भगवान की भावना क्यों नहीं करते? भावना के बिना मंदिर में भी दर्शन नहीं होता, जगत के स्त्री पुरुषों में भगवान की भावना। अपनी आंख को सुधारो। जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि दिव्य हो जाती। तुलसीदास महाराज सतत राम जी की भक्ति करते थे, राम नाम का सतत जप करते थे। तुलसीदास महाराज की दृष्टि ऐसी हुई थी, जगत के सभी स्त्री पुरुषों में तुलसीदास महाराज को सीता राम जी का ही दर्शन होता। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास महाराज को कोई स्त्री दिखती ही नहीं, कोई पुरुष दिखता नहीं है। भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है, दृष्टि जब दिव्य होती है, तब जगत के स्त्री पुरुषों में भगवान का दर्शन। भावना से जिस प्रकार मंदिर में भगवान का दर्शन करते हो, जगत के स्त्री पुरुषों में भगवान की भावना क्यों नहीं करते? किसी का कपड़ा देखने से क्या लाभ है? चामड़ी देखने से क्या लाभ है? मानव को ऐसी खराब आदत पड़ी है, मानव देह को ही देखता रहता है। जो देह को सुंदर समझता है, देह को देखता है, वह देव से दूर जाता है। आपको देव का दर्शन करना है, देह को देखना नहीं। यह मलमूत्र से भरा हुआ शरीर कैसा भी होवे अशुद्ध है, देखने लायक देह नहीं है, देखने लायक देव है। देव का दर्शन करो। मंदिर में जिस प्रकार भावना से भगवान का दर्शन करते, कभी कभी तो मंदिर में भगवान के सन्मुख मानव पाप भी करता है, उसका भाव दृढ़ नहीं है। मंदिर में बहुत भीड़ होवे और भीड़ में किसी का धक्का लग जावे तो क्रोध आता है, मेरे को इसने धक्का मारा। कितने लोग याद रखते हैं, समय आने दो, किसी दिन मैं भी उनको धक्का मारूंगा। मंदिर में भगवान के सन्मुख मानव पाप करता है। मंदिर में दर्शन करना साधारण दर्शन। मानव शरीर में भगवान का दर्शन करना असाधारण दर्शन। किसी के देह को देखना नहीं, ये काला है, गोरा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है। अनेक जन्म से मानव देह को ही देखता है। देह मैं हूं, शरीर का सुख मैं, मेरा सुख है, इसी भाव में रहता है। इसी को संस्कृत भाषा में देह भाव कर। फोटा मेरे को ना बोला, फोटा मत, जो बाहर निकल, यहां बैठो नहीं, चल बाहर जाने दो। कथा में जो विक्षेप करता है उसको पाप लगता है। वक्ता श्रोता की एकाग्रता में विघ्न करना बड़ा पाप है।
देह को देखना नहीं है, देव को देखना। जैसा मेरा शरीर है वैसा ही सभी का शरीर है। शरीर तो मलमूत्र से भरा हुआ अशुद्ध है, देह को क्या देखते हो? देह में देव का दर्शन करो, अपनी दृष्टि को सुधारो, आत्मदृष्टि स्थिर करो, देह भाव भूल जाओ, आत्मभाव दृढ़ करो। देखने लायक परमात्मा है, मलमूत्र से भरा हुआ शरीर देखने लायक नहीं है। जगत के स्त्री पुरुषों में जो भगवान का दर्शन करता है उसका मन बिगड़ता नहीं, उसको बहुत शांति मिलती। उसी को हमारे ऋषियों ने असाधारण दर्शन कहा। पशु पक्षियों में भी भावना से भगवान का दर्शन कर, सनातन धर्म ने परमात्मा का स्वरूप जैसा समझाया है ऐसा किसी धर्म ने समझाया। सनातन धर्म का सिद्धांत है भगवान सर्व में मिले हुए, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान मिले हुए न हो। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत शरीरम ब्रह्म प्राविशत, प्रत्येक में भगवान का प्रवेश है, भगवान सभी में मिले हुए हैं। पशु पक्षियों में भी भावना से भगवान का दर्शन करो। किसी पशु को दुख देना वो भगवान को दुख देने के जैसा ही पाप। पशु पक्षियों में भी भगवान की सत्ता है, पृथ्वी में परमात्मा है, इसीलिए प्रातः काल में पृथ्वी माता को वंदन करके फिर पांव रखना चाहिए। ये जमीन नहीं है, यह मिट्टी नहीं है, यह पत्थर नहीं है, यह मेरी मां है। मां पांव रखने में मेरे को संकोच होता है, मेरा अपराध क्षमा करो। समुद्र वसन है देवी, पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। दक्षिण भारत में श्री वेंकटेश बालाजी महाराज शंख चक्र गदा पद महात्म्य है। वेंकटेश बालाजी महाराज के दर्शन में तृप्ति नहीं होती है, किसी भी समय में जाओ अति भीड़ होती। श्री वेंकटेश बालाजी महाराज के मंदिर में जितनी भीड़ दिखती है इसी जगत के किसी भी मंदिर में बारह मास अति भीड़ होती है। धर्म दर्शन करना हो 7 घंटे 8 घंटे तपश्चर्या करनी पड़ती, तब बालाजी महाराज का दर्शन होता है। वेंकटेश बालाजी महाराज का स्वरूप अति दिव्य है, उनका नाम है त्रिपति बालाजी। 3 देवियों के भगवान पति है इसीलिए उनको त्रिपति कहते हैं। श्री देवी, लीला देवी और भू देवी, 3 देवियों के पति परमात्मा नारायण है। त्रिपति होने से उनको तिरुपति कहते हैं, मुख्य शब्द है त्रिपति, तिरुपति अपभ्रंश है। श्री देवी, लीला देवी और भू देवी, तीनों देवियों के स्वामी परमात्मा नारायण है, इसीलिए पृथ्वी सभी की मां है। पृथ्वी जड़ नहीं है, भगवान की शक्ति है। पृथ्वी माता को वंदन करके फिर पांव रखना चाहिए। कितने लोग समझते नहीं है, क्रोध जब आता है तो अपना पांव पृथ्वी के ऊपर पटक देते, हाथ में जो हो गए धरती के ऊपर फेंक देते हैं, क्रोध आया उनको बड़ा भारी पाप लगता है। पृथ्वी मां सहन करती, पृथ्वी में परमात्मा की शक्ति है, भगवान है। मार्ग में कांटा पड़ा हो तो कांटे के ऊपर पांव रखना बहुत कठिन नहीं है, फूल के ऊपर पांव रखना बड़ा कठिन है। फूल में जो सुगंध है वो भगवान है, जल में जो मिठास है वो भगवान है,
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में भगवान की ही सत्ता है। किसी को प्यास लगी हो आप 1000-2000 रुपया दो उसको शांति नहीं मिलती है, वो कहता है ठंडा जल। पानी पीने से क्यों शांति मिलती है? पानी में परमात्मा है, पानी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, पानी का दुरुपयोग करना बड़ा भारी पाप है। तेज में भगवान है, वायु में भगवान है, आकाश में भगवान है, सभी में भगवान की सत्ता है। लड्डू के एक एक कण में चीनी मिली हुई, लड्डू में चीनी दिखती नहीं है, लड्डू को कोई उठावे तो हाथ में चीनी नहीं आती है। बुद्धि कबूल करती है लड्डू में जो मिठास है वो आटे की मिठास नहीं है, घी की मिठास नहीं है, इसमें चीनी मिली हुई है उसी की मिठास है। लड्डू के एक एक कण में जिस प्रकार चीनी मिली हुई है, भगवान सभी में मिले हुए जगत में परमात्मा का दर्शन करो। इसका अर्थ यह है जगत को भगवान से अलग न करो। जगत को जो भगवान से अलग करके देखता है उसकी आंख बिगड़ जाती है, मन बिगड़ जाता है। जगत को भगवान में देखना है और जगत को भगवान के साथ में देखना है। आपकी आंख जहां जाती वहां भगवान है। भगवत भाव से जगत को देखो, बहुत आनंद मिलेगा। इसी को महापुरुष अपरोक्ष दर्शन कहते हैं। जो सभी में भगवान को देखता है, एक दिन ऐसा आता है उसके अपने उसको अपने अंदर भी भगवान दिखने लगे। सभी में भगवान है तो मेरे अंदर कौन है? आपके अंदर भी भगवान है। आपके अंदर भगवान जो है उनका दर्शन करना हो, मंदिर में दर्शन करो, संतों में दर्शन करो, माता पिता में दर्शन करो, स्त्री पुरुषों में दर्शन करो, पशु पक्षियों में दर्शन करो, सभी में भगवत भाव से जो भगवान का दर्शन करता है और देह भाव को जब भूलता है तब उसको अपने अंदर परमात्मा का दर्शन होने लगता है। जो देह भाव को भूल गया है, लाली मेरे लाल की सबर जग रही समाय, लाली देखन मैं गई और मैं भई हो गई लाल। गोपियों को जब दर्शन करने की इच्छा होती है, गोपी यशोदा मैया के घर में जाती है बाल कृष्ण को देखने के लिए, प्रेम से बाल कृष्ण का दर्शन करती है। गोपी का प्रेम बढ़ने लगा, अब तो गोपी को घर में से ही बाल कृष्ण का दर्शन होने लगा। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, कथा में बैठे बैठे उनको घर भी दिखता है। गोपी को घर में से भगवान का दर्शन होवे तो क्या आश्चर्य है। गोपी जमुना जी के किनारे जल भरने के लिए जाती है, गोपी को ऐसा अनुभव होता है श्री कृष्ण मेरे साथ में, कदम के झाड़ में श्री कृष्ण है। सभी में भावना से श्री कृष्ण दर्शन करती हुई गोपी जब देह भाव को भूल गई, स्त्री भाव को भूल गई। गोपी को याद रहा नहीं मैं किसी की पत्नी हूं, किसी पुरुष के साथ मेरा लग्न हुआ है, मैं किसी की मां हूं, मैं किसी की बहन हूं। गोपी श्री कृष्ण प्रेम में, श्री कृष्ण दर्शन में देह भाव भूल गई, तब गोपी को अपने अंदर श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते प्रत्येक आत्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देव दर्शन करना है तो देह को भूलना ही पड़ेगा, देव दर्शन की इच्छा है तो देह भाव को मारना ही पड़ेगा। भक्ति में जो तन्मय रहता है उसका धीरे धीरे देह भाव कम होता है, तब आत्मभाव जागृत होता है। आपके अंदर भी भगवान है, सभी में भगवान है तो मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर भी भगवान है। आत्मस्वरूप में भगवान का दर्शन करना ही अपरोक्ष दर्शन है। यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म ब्रह्मविदाप्नोति परम अयम आत्मा ब्रह्म तरति शोकम आत्मवित सर्वं खल्विदं ब्रह्म।
वीर भगवान वर्णन करते हैं, आत्मस्वरूप में परमात्मा का दर्शन करना ही उत्तम दर्शन है। मंदिर में दर्शन करना साधारण दर्शन है, जगत के स्त्री पुरुषों में भगवान का दर्शन करना असाधारण दर्शन है, पशु पक्षियों में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में भी भगवान की सत्ता है। अनुभव जिसको होता है आत्मस्वरूप में भगवान का, जो दर्शन करता है वही उत्तम दर्शन है। श्री कृष्ण दर्शन से शांति मिलती है, श्री कृष्ण दर्शन का सरल साधन भागवत है। भगवान को दया आई, भगवान ने विचार किया जीव को मेरा दर्शन नहीं होता, संसार में बहुत सुख दुख भोगता है, घूमता है, ये मेरा दर्शन करे तो दुख का अंत आए। बहुत से लोग ऐसा समझते, बहुत पैसा मेरे को मिले, मेरा बंगला हो जावे, मैं बहुत सुख भोगूंगा तब शांति मिलेगी। भूल है, सुख भोगने से दुख का अंत नहीं आता। संसार का एक नियम है, सुख के बाद दुख आने वाला ही है, सुख के पीछे ही दुख खड़ा है। सुख भोगने से दुख की समाप्ति नहीं होती है, श्री कृष्ण दर्शन से दुख का अंत आता है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, सृष्टि के आरंभ में आदि नारायण परमात्मा ब्रह्मा जी को यह कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने वही कथा नारद जी को सुनाई, नारद जी महाराज ने वही कथा व्यास महर्षि को सुनाई, व्यास जी ने इसका विस्तार किया, 18,000 श्लोकों का भागवत शास्त्र बनाया, सुखदेव जी को सुनाया है, सुखदेव जी ने वही कथा परीक्षित राजा को सुनाई। कथा में कैसी शक्ति है, एकाग्र चित्त से परीक्षित कथा सुनते थे। परीक्षित राजा ने जब सुना मैं सातवें दिन में मरने वाला हूं, राजा ने ऐसा मान लिया आज ही मैं मर गया हूं, जगत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, जगत का संबंध छोड़ करके परीक्षित गंगा किनारे बैठे थे। सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण दर्शन करते हुए बोलते, ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है, ज्ञान भक्ति जब अतिशय बढ़ जाती है, सुखदेव जी जैसे महान पुरुष एक क्षण भी भगवान का दर्शन बिना नहीं रह सकते। दृष्टांत बहुत सुंदर दिया है, निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीम बिना। गाय माता का सिंह है, उसके अग्रभाग में सरसों का दाना जितना समय टिकता है उतना समय भी सुखदेव जी जैसे महापुरुष परमात्मा का दर्शन बिना नहीं रह सकते। गाय माता का सिंह उसके अग्रभाग में सरसों का दाना कितना समय टिकेगा, उतना समय भी सुखदेव जी जैसे महापुरुष भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए बिना नहीं रह सकते। सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण दर्शन करते हुए बोलते हैं, परीक्षित महाराज एकाग्र चित्त से कथा सुनते हैं। आप जिसकी बातें प्रेम से सुनते हो वह कान में से आपके अंदर आ जाता है। कथा में कैसी शक्ति है, सुखदेव जी महाराज ने कथा की, परीक्षित राजा को हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। बहुत से संत ऐसे होते हैं भगवान को आंख में से अंदर ले जाते, कितने संत भगवान को कान में से अंदर ले जाते। भक्ति में आंख और कान दोनों मुख्य है, आंख और कान को जो अतिशय पवित्र रखता है वही भक्ति कर सकता है। खराब शब्द सुनने से मन बिगड़ जाता है, खराब चित्र देखने से मन बहुत बिगड़ता है। भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राहा, अक्षभिर्भद्रं पश्येम कर्णे भी भद्रं श्रृणुयाम। कथा में कैसी शक्ति है, श्री कृष्ण दर्शन करते हुए सुखदेव जी महाराज प्रेम से कथा करते थे, जगत का संबंध छोड़ करके एकाग्र चित्त से परीक्षित कथा सुनते थे,
श्रवणम सर्वधर्मेभ्यः वरम मन्ये तपोधनः। कथा सुनने से हृदय में भगवान का स्वरूप प्रकट हो, कान में से भगवान ने अंदर प्रवेश किया। परीक्षित महाराज ने कहा है अब मेरे को तक्षक नाक का भय नहीं लगता, जिसको आत्मस्वरूप में भगवान का दर्शन हुआ। आपने मेरे को कथा नहीं सुनाई, आपने भगवान का दर्शन कराया है, आपने भगवान का दर्शन करने की आंख दी है। संतो दिशंति चक्षुंषी बहिरर्कस समुत्थिता, आपकी कृपा से मैं बाहर भगवान का दर्शन करता हूं, दाहिने बाजू में दर्शन करता हूं, बाई बाजू में दर्शन करता हूं। आपने तो ऐसी कृपा की है, तक्षक नाग में भी नारायण है। तक्षक के साथ मेरा वैर नहीं है, तक्षक के लिए मेरे मन में कुभाव नहीं है। आपने मेरे को सभी में भगवान का दर्शन कराया है, मैं कृतार्थ हूं। कथा में कैसी शक्ति है, एकाग्र चित्त से कथा सुनने से परीक्षित के हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हो गया। ऐसा कथा का महिमा है, भागवत का महात्म्य अनेक ग्रंथों में व्यास महर्षि ने वर्णन किया है। प्रधान पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य की कथा वक्ता करे, ऐसी व्यास नारायण की आज्ञा है। व्यास जी के आज्ञा अनुसार पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य की कथा का आरंभ करते हैं। कथा के आरंभ में श्री राधा कृष्ण चरण में वंदन, वंदन दर्शन के बाद होता है। जिसको भगवान का दर्शन नहीं होता वंदन किसको करता है? मन से दर्शन करो, सुंदर सिंहासन है, सिंहासन में श्री राधा कृष्ण विराजमान, हजारों वर्ष हो गए, व्रज में वृंदावन में भगवान राधा कृष्ण कभी बड़े होते ही नहीं। पुराणों में वर्णन आता है सनत कुमार 5 वर्ष के ही रहते हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजाहा, सनत कुमार हजारों वर्ष हो गए, 5 वर्ष के ही रहते हैं। उनका शांत भाव, उनका बाल भाव ऐसा दृढ़ था, बड़े होते ही नहीं। व्रज में श्री राधा कृष्ण कभी बड़े होते ही नहीं। श्री राधा जी 5-6 वर्ष की ही रहती है और श्री कृष्ण 7-8 वर्ष के ही रहते, सुंदर सिंहासन में विराजमान, प्रेम से खेल रहे हैं। दर्शन करो, फिर भगवान के चरण में वंदन करो। श्री कृष्ण चरण में वंदन करने से प्रथम श्री राधा जी के चरण में, सभी लोग राधा कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण राधा ऐसा कोई नहीं बोलता। प्रथम श्री राधा जी का दर्शन, जगत के आधार श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का भी आधार श्री राधा जी। आधार शब्द में आधार शब्द मिला दो, राधा 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 होता है। जगत को आनंद देने वाले श्री कृष्ण है। संसार में जीव को सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। आनंद तो भगवान देते हैं, जगत को आनंद देने वाले श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण को भी आनंद देने वाली भगवान की आह्लादिका शक्ति ही श्री राधा जी। प्रथम श्री राधा जी के चरण में वंदन करना है। भागवत में तो ऐसा लिखा है, कभी कभी श्री कृष्ण भगवान को क्रोध आता है। जीवन में श्री राधा जी को कभी क्रोध आया ही नहीं। क्रोध क्या होता है राधा जी जानती ही नहीं। राधा जी प्रेममयी है, सबकी माँ है, सभी की दया ही आती है, कैसा भी जी हो। श्री कृष्ण कभी कभी क्रोध करके सजा भी करते। भगवान को क्रोध कब आता है? भगवान कृपा करके मानव को संपत्ति देते हैं, सुख देते हैं, अनुकूलता कर देते हैं। सुख में संपत्ति में यह जीव परोपकार ज्यादा करेगा, मेरी भक्ति ज्यादा करेगा, अति से भक्ति करने के लिए संपत्ति देते हैं। इसको घर में कोई चिंता न हो, अति से भक्ति करने के लिए भगवान घर में सभी अनुकूलता कर देते हैं।
सभी अनुकूलता होगी तो ज्यादा परोपकार करेगा, मेरी भक्ति करेगा। ये जीव ऐसा दुष्ट है, सभी अनुकूलता मिल जावे तो ज्यादा भक्ति नहीं करता, अति सुख भोगता। जीव जब मर्यादा छोड़ करके अति सुख भोगता है, भगवान को कभी कभी क्रोध भी आ जाता है। अब मैं दया नहीं करूंगा, सजा करूंगा। ये जीव दया करने लायक नहीं है, दुष्ट है। भगवान कभी कभी सजा भी करते हैं। ऐसे समय में श्री जी भगवान को समझाती है, सजा ना, तेरे को दया आती है। भगवान कहते हैं जीव दुष्ट है। श्री जी समझाती है, जीव तो दुष्ट है, आप तो दयालु हो ना। जीव अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो आप दया क्यों छोड़ते। जीव का स्वभाव है दुष्ट है, आप दया करो। आप उसको सजा करोगे बहुत दुखी होगा, मेरे को दया आती है, सजा न कर, दया। भगवान कभी कभी आवेश में बोलते हैं, ये जीव नालायक है, आज तक मैंने बहुत दया की, ये लायक नहीं है। तब श्री राधा जी समझाती है, जीव तो नालायक है, लायक बाप का ही बेटा नालायक हो गया। आप तो लायक हो नहीं, आपका ही बेटा है। आपने ही कहा है ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, आपका ही अंश है। आप लायक हो, जीव नालायक है। आप कृपा, श्री राधा जी की कृपा बिना कोई जीव भगवान के चरण में नहीं जा सकता। जीव ने इस जन्म में पूर्व जन्म में बहुत पाप किया है, भय लगता है। मैं भगवान को अपना मुख क्या बताऊं, भगवान मेरे को सजा करेंगे, मैं दुष्ट हूं। श्री राधा जी जिसके लिए सिफारस करती उसी को भगवान अपना ले। जगत राधा श्री कृष्ण के अधीन है, श्री कृष्ण श्री राधा जी के अधीन है। जगत को आनंद देने वाले श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण को आनंद देने वाली श्री राधा जी। राधा जी प्रेममयी है, सभी की दया ही आती है, इसीलिए भगवान राधा जी के अधीन रहते। राधा जी जो कहती है वही करते। प्रथम श्री राधा जी के चरण में वंदन कर, सुंदर सिंहासन में राधा कृष्ण विराजमान है, फिर भगवान के चरण में वंदन करो। श्री राधा कृष्ण भगवान की आरंभ में श्री कृष्ण चरण में वंदन किया है। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री शब्द का अर्थ है श्री राधा जी। श्रयते सर्वात्मना श्री कृष्णम इति श्री, श्री कृष्णेन श्रीयते सेव्यते इति वा श्री। श्री राधा कृष्ण दोनों एक है, लीला करने के लिए दो स्वरूप प्रकट किए हैं। राधा कृष्ण के चरण में वंदन किया। फिर भागवत के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज है, जो शिव स्वरूप है। व्यासो नारायणो हरि ही, व्यास महर्षि आदि नारायण परमात्मा का स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज शिव स्वरूप, शिव मुक्ति देने वाले हैं। परीक्षित का रक्षण गर्भ में परमात्मा करते हैं और परीक्षित को मुक्ति देने के लिए भगवान शंकर शिव सुखदेव जी के स्वरूप से आए। सुखदेव जी महाराज शिव स्वरूप। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ग्रंथों में वर्णन आता है, एक बार ऐसा हुआ भगवान शंकर कैलाश में समाधि में बैठे थे। शिवजी महाराज प्रायः समाधि में ही रहते, समाधि में से जागते हैं तब कथा करते हैं, कथा की समाप्ति हो गई कि समाधि में बैठ जाते हैं।
कथा और समाधि दो ही काम भगवान शंकर करते हैं, तीसरा कोई काम करते हैं। भगवान शंकर समाधि में बैठे थे, पार्वती माता प्रतीक्षा करती है कब समाधि में से जागे। माता जी को शिव जी के मुख से कथा सुनने की इच्छा, समाधि में से जागेंगे तब कथा करें। शिव जी समाधि में, मैं क्या करूं, शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग शब्द का अर्थ है शिव स्वरूप। शिव जी में मलमूत्र है ही नहीं, शिव अति शुद्ध दिव्य तत्व है। जगत के सभी संत महात्माओं ने भगवान शंकर की भक्ति करने के बाद ही वे महान हुए। शिव भक्ति से ही वासना का विनाश होता है। एक भगवान शंकर ऐसे हैं, कामदेव को जला दिया, भस्म कर डाला है। काम ऐसा समझता था मैं ही ईश्वर हूं, सभी को मैं मारता हूं, सभी मेरे अधीन हो जाते हैं। एक भगवान शंकर ऐसे हैं, शिव जी ने काम का वो जला दिया था। शिव स्वरूप दिव्य, शिवलिंग की स्थापना की है। माता पार्वती जी शिव जी की पूजा करती, यही शंकर भगवान। उस समय नारद जी वहां शिव जी को भोग लगाया था। नारद जी आए तो माता जी ने शंकर भगवान का प्रसाद नारद जी को दिया। नारद जी ने प्रसाद का भक्षण किया, अन्नपूर्णा जी के हाथ से प्रसाद मिला, पार्वती माँ ने मेरे को प्रसाद दिया, भगवान शंकर का प्रसाद मेरे को मिला। प्रसाद पाकर के नारद जी कृतार्थ हो। नारद जी महाराज जगत का कल्याण करने के लिए, अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए कभी कभी कलह जगा दे। नारद जी के कलह में अनेक जीवों का कल्याण होता। नारद जी ने विचार किया, मेरे को तो प्रसाद मिला, मैं तो कृतार्थ हुआ, अनेक जीवों को प्रसाद मिले, अनेक जीवों का कल्याण होवे, आज मैं थोड़ी ऐसी लीला करूं, कलह जगा दूं। पार्वती माता को वंदन करके नारद जी ने कहा, आपके हाथ से प्रसाद मेरे को मिला, मैं आज धन्य हो गया। भगवान शंकर ने तो काम को जला दिया था, काम को जलाने के बाद आपके साथ लग्न किया, आपने तपश्चर्या बहुत की, नहीं तो शिव जी को लग्न करने की कोई जरूरत ही नहीं, आपने बहुत तप किया, इसीलिए शिव जी ने आपका स्वीकार किया। मेरे को बोलना थोड़ा ठीक नहीं है, पर मैं सत्य कहता हूं, आपने बहुत तपश्चर्या तो की। पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है, स्त्री सर्व रीति से प्रेम करती है तो भी पुरुष थोड़ा कपट तो करता ही, स्त्री से कपट रखता है, ये सभी पुरुषों का ऐसा स्वभाव है। मेरे को दुख यह होता है, आपने इतनी तपश्चर्या की तो भी शंकर भगवान आपसे कितनी बातें छिपाते, छिपाना ठीक नहीं। पार्वती माता ने कहा, मैंने गौरी कुंड में जो तपश्चर्या की है मेरा मन जानता है, कितना मैंने दुख सहन किया तब मेरे को ये मिले हैं। मैंने बहुत तप किया है, बहुत वर्ष तक अन्न का त्याग किया, बहुत वर्ष तक फल खाती थी फल छोड़ दिए, फिर पत्ते खाने लगी पत्ते भी छोड़ दिए, वायु का भक्षण करती थी वायु भक्षण भी छोड़ दिया, एक बार गंगा जल पीती थी, बहुत वर्ष मैंने तप किया। कि माता जी आपने तो तप तो बहुत किया, आपका तो अतिशय प्रेम है, शिव जी आपसे भी कुछ बातें छिपावे ये योग्य नहीं। गौरी कुंड में गंगा किनारे भगवान शंकर पार्वती माता विराजमान है। शिव जी ने पार्वती माता की थोड़ी परीक्षा की। एक 5-6 वर्ष के बालक को मगर ने पकड़ा, मगर उसको मारने के लिए तैयार हुआ है। बालक बहुत जोर से रोता है, मेरे को बचाओ बचाओ। पार्वती माता वहां थे, मगर को कहा इसको तू छोड़ दे। कि माता जी कैसा छोड़ दूं, 3 दिन हो गए मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ भी खाने के लिए मिला नहीं है, इसका रक्षण करोगी तो मेरे अनेक बालकों की हिंसा करने का पाप लगेगा। पार्वती माता ने कहा, भैया जो कुछ हो गए इसको छोड़ दे,
मेरे सामने तू इसको मारता है, ठीक नहीं है, छोड़ दे। कि कैसा छोड़ दूं? तू जो कहेगा सो मैं करूंगा, तू जो मांगेगा तेरे को मैं दूंगी, तू इसको छोड़ दे। तब मगर ने कहा, आपने 1000 वर्ष तक जो तप किया है उस तप का पुण्य मेरे को दे दे। 1000 वर्ष माता जी ने बहुत दुख सहन किया था। पार्वती माता ने कहा, मेरे तप का पुण्य मैं तेरे को दे देती हूं, बालक को छोड़। कि माता जी आप क्या करती हो, 1000 वर्ष आपने कितना दुख सहन किया है कि तपश्चर्या फिर से हो सकती, बालक कहीं फिर से नहीं। इसके लिए मैंने अपनी तपश्चर्या तेरे को दे दी है, मेरे तप का पुण्य तेरे को मिले। बालक शंकर भगवान थे और मगर भी शंकर थे, दोनों शिव स्वरूप थे। मां ने उनको बचा लिया, शिव जी प्रकट हो, शिव जी ने आपके साथ लग्न किया, आपने तो बहुत दुख सहन किया है, शिव जी आपसे कितनी बातें छिपाते हैं वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। कि मेरे से तो कोई छिपाते नहीं, सब मैं जानती हूं। कि माता जी उनके गले में जो मुंड माला है वो मुंड माला किसके मस्तक की है आप जानती नहीं हो, आप पूछोगी तो भी वो कहने वाले नहीं। मेरे को ऐसा सब कहना ठीक नहीं है, अनेक जीवों का कल्याण माता जी को ऐसा समझा दी, ये आपसे कपट करते हैं।